क्वेश्चन है कि एक आदमी शहर एक्स से वाई की यात्रा करता है, वह अपनी गति को 25% तेज करता है तो वाई मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 40% धीमी गति से यात्रा करता है तो उसे कितनी मिनट का देरी लगेगी, यही इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, यहाँ से एक ही आपको मालूम है, डिस्टेंस क्या है आपका, सेम दिया गया है। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा उसी का इन्वर्स अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि पहले केस में स्पीड का रेशियो क्या है आपका, अगर वह अपनी गति को 25% तेज करता है, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, सॉरी 1/4, यानी कि पहले उसकी स्पीड 4 थी तो अब 1 बढ़ा दी यानी कि 5 कर दी, स्पीड कितनी थी 1 बढ़ा दी, तो टाइम में क्या फर्क आ जाएगा, टाइम 1 घट जाएगा, 1/3 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे, देखो अगर स्पीड का अगर मैं रेशियो बोलूँ, अगर स्पीड का रेशियो 4 से 5 हो रहा है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5 से 4 ही तो होगा, क्योंकि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इन्वर्स टाइम का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा उसका इन्वर्स स्पीड का रेशियो होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसी तरीके से अब यहाँ से देखो, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब उससे 15 मिनट की देरी लगती है, यानी कि एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, एक की वैल्यू 15 मिनट, तो यहाँ से उसको ओरिजिनल टाइम कितना लगेगा, 15 × 5 यानी कि 75 मिनट। तो जो उसे ओरिजिनल टाइम लगेगा कितना, 75 मिनट लगेगा। अब सेकेंड केस में यह कह रहे हैं कि अगर वह अपनी गति को 40% धीमा करता है, ठीक है, यानी कि 40% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि पहले उसका स्पीड 5 था तो अब क्या किया, 2 कम कर दिया, क्या किया, 2 कम कर दिया, तो अब स्पीड कितना रह गया, 3 रह गया, तो समय कितना लगेगा, समय तो यही, इस समय तो 2 घंटे, अगर अभी 2 घंटे कम लग रहे हैं तो स्पीड कम करने पर 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड का रेशियो 5:3 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा क्या, 3:5 हो जाएगा। कितना कम, कितना ज़्यादा समय लग रहा है, 2 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, तो 2/5 कितना हो जाएगा, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/5, ठीक है, सॉरी 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 2/3, ठीक है, मैंने मिस्टेक करा, कितनी हो जाएगी, 2/3, यानी 5 से 2 कम, 2/3। अब यहाँ से देखो, ओरिजिनल टाइम उसको 3 लग रहा है तो अब 2 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है, ओरिजिनल टाइम से 2 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है यहाँ से, 75 मिनट, जो कि इसके 25 मिनट, 25 गुना ज़्यादा है, तो जो इसका टाइम में देरी लगेगा वो भी कितना लगेगा, 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि 25 × 50 मिनट, तो जो उसे एक्स्ट्रा समय लगेगा कितना, 50 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगेगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई, अगर डिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो होता है, यानी कि जो अगर टाइम का रेशियो x:y है, टाइम का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा y:x। अगर यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या है, x:y है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा y:x। ओके,